बीजेपी अपने ही नेताओं से परेशान है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंदिरा गांधी की तारीफ करके बीजेपी के शीर्ष नेताओं की लाइन बिगाड़ दी है। नामदार की दादी मां श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। आप मुझे बताइए, आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? उन्होंने देश को वचन दिया था कि नहीं दिया था गरीबी हटाएंगे? आप ईमानदारी से बताइए, गरीबी हटी क्या? गरीबी हटी क्या? ये वादा झूठा था कि नहीं था? पीएम मोदी का ये बयान महज 2 महीने पुराना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चुनावी सभा के दौरान नवंबर महीने में मोदी ने इंदिरा गांधी पर हमला किया था। अभी 4 दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्विटर पर लिखा था, आपातकाल लागू करने वाली तानाशाह के पोते ने अपना असल रंग दिखा ही दिया और एक स्वतंत्र पत्रकार को धमकाया। जेटली की इस टिप्पणी में तानाशाह शब्द का इस्तेमाल इंदिरा गांधी के लिए हुआ है। बीजेपी के 2 बड़े नेता इंदिरा गांधी के बारे में जो राय रखते हैं उसे आपने जान लिया। अब जरा उस बयान के बारे में भी जान लीजिए जिसकी वजह से हमने इन 2 पुराने बयान आपको दिखाए हैं कि इंदिरा गांधी सारखे नेते या देशात झाले आणि या देशावर अनेक मोठा मोठा ताकतवान पुरुषांना त्यांनी झुकवलं, पण इंदिरा गांधींना कधी रिझर्वेशन मिळालं का? इन शब्दों के जरिए मोदी सरकार में मंत्री गडकरी इंदिरा गांधी की तारीफ कर रही है और यहीं से सवाल आगे बढ़ता है कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं की लाइन लेंथ अलग अलग हो चुकी है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब गडकरी ने बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ गुगली डाली है। इससे पहले नेहरू की तारीफ करके गडकरी पार्टी के नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा चुके हैं। मुझे याद है जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात वो कहते थे कि इस देश का हर व्यक्ति देश के लिए एक प्रश्न है, एक समस्या है। ये मुझे उनके भाषण बहुत पसंद है। गडकरी ऐसे माहौल में पार्टी को विवादों में खड़ा कर रहे हैं जब पार्टी के एक पुराने नेता उनके लिए फील्डिंग लगाने में लगे हैं। वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके संघ प्रिय गौतम का कहना है कि नितिन गडकरी को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का अध्यक्ष। इसमें कोई 2 मत नहीं है कि ये दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव सामने है और पार्टी के अंदर से अलग अलग लाइनें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे पार्टी के लिए संकट खड़ा हो सकता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।